दोस्तों, आप सभी लोग हरिद्वार गए होंगे और वहां पर गंगा स्नान भी जरूर किए होंगे। हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित ऋषिकेश भी आप सभी लोग गए होंगे। ऋषिकेश में एक झूला है जो कि लक्ष्मण झूला के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको नहीं मालूम होगा वो झूला अंग्रेजों का बनवाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बता देता हूँ लक्ष्मण झूला से जुड़ी 5 रोचक बातें। यकीनन नहीं जानते होंगे लक्ष्मण झूला के बारे में ये 5 रोचक बातें। तो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने करीब 90 साल पुराने लक्ष्मण झूला पुल को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे बंद करने का फैसला लिया गया। आइए आपको इस पुल से जुड़ी कुछ खास और बेहद दिलचस्प जानकारियों से रूबरू कराते हैं। नंबर 1, कैसे बना था पुल। 1923 में पुल की नींव ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल के दौरान पड़ी थी, लेकिन आपको बता दें तेज बाढ़ आने से साल 1924 में इसकी नींव पानी में गिर गई थी। इसके बाद 1927 में एक बार फिर इसकी नींव रखी गई और 3 साल बाद 11 अप्रैल 1930 में यह पुल बनकर तैयार हो गया था। नंबर 2, जूट की रस्सी से बना पुल। गंगा नदी के ऊपर बना यह पुल 450 फीट लंबा झूलता हुआ पुल है। ऋषिकेश के लोगों के मुताबिक शुरू में यह पुल जूट के रस्सी से बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे लोहे की तारों से मजबूत बनवाया गया। नंबर 3, लक्ष्मण झूला क्यों पड़ा नाम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यमय बात है कि लक्ष्मण झूला ही नाम क्यों पड़ा। नाम तो कुछ और भी पड़ जाना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण झूला पड़ने के पीछे का क्या राज है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। इसी वजह से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। पुल के पश्चिमी किनारे पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। नंबर 4, अंग्रेजों से पहले इन्होंने बनवाया था यह पुल। ऐसा बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण ब्रिटिश सरकार की देखरेख में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों से पहले स्वामी विरसुदानंद की प्रेरणा से कलकत्ता के सेठ सूरजमल ने यहां 1890 में लोहे की तारों से एक मजबूत पुल बनवाया था। यह पुल 1924 में बाढ़ में बह गया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नए सिरे से इसका निर्माण करवाया था। नंबर 5, राम झूला का इतिहास। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश गए होंगे तो वहां पर आप सभी लोगों ने लक्ष्मण झूला के साथ ही एक राम झूला भी देखा होगा। आपको उसका इतिहास भी बता देता हूं। ऋषिकेश में ही राम झूला नाम का एक और पुल है जिसकी लंबाई 750 फीट है। इस पुल का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, इसका निर्माण साल 1983 में हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऋषिकेश में स्थित लक्ष्मण झूला और राम झूला के बारे में आपको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।